हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहा है भारजन मोजीटो। अभी गर्मी का भी मौसम आ गया है, तो मान लीजिए आपका घर में गेस्ट आया है तो ये मोजीटो आप दे सकता है। ये मोजीटो देने के कितना सारा आइटम चाहिए हम डिस्प्ले का सामने रख दिया है, इतना सारा भारजन मोजीटो बनाने के लिए ज़रूरत होता है। ठीक है, तो देख लिया है अच्छी तरह से, तो चलिए हम अभी वीडियो स्टार्ट कर लेता। तो हम लोग एक ग्लास ले लेता है, ग्लास लेने के बाद एक फुल नींबू पूरा पानी इसका अंदर से हम लोग डालेंगे। डालने का बाद हम शुगर सिरप डालेंगे ग्लास का अंदर से। ये जो ग्लास का बराबर से एक आइडिया से शुगर सिरप डाल देना है। ठीक है, तो ये शुगर सिरप डालने का बाद इसमें एक नींबू पूरा कट करके उसका अंदर से डालो। डालने का बाद एक स्पून से अच्छी तरह से उसको मिक्सिंग कर लेना है, क्योंकि ये जो फ्लावर होता है ना, ये फ्लावर का स्मेल आने के लिए नींबू डालता है। उसका ऊपर से एक फ्रेश पुदीना है, फ्रेश पुदीना ग्लास के अंदर से डालेंगे। ठीक है, तो डालने का बाद हम अभी इसका ऊपर से जो मौसम्बी होता है ना, मौसम्बी को 3-4 पीस राउंड करके ग्लास के अंदर से डालेंगे। अभी ये जो शुगर है, शुगर के साथ तीनों आइटम मिक्स करके रखा है, एक है सॉल्ट है और शुगर है, और शुगर के साथ एक पल्प चॉकलेट है, वो हम पेस्ट करके रखा है। तो रखने का बाद इसका ऊपर से हम लोग आइस कूप डालेंगे। आइस कूप थोड़ा अच्छा से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, जो क्योंकि जो ठंडा होता है ना, तो ठंडा लगेगा तो अच्छा आता है। ये गर्मी का टाइम में ये बहुत अच्छा है, ये गर्मी का भी जो मौसम होता है ना, तो ये हम लोग पी सकता है और दस्त का साथ भी ये शेयर भी कर सकता है और घर से भी ये ट्राई करके भी खा सकता है। ठीक है, तो ये तो पीने का टाइम में हमको तो भी पीने को दिल करता है, लेकिन क्या करेंगे, तो दिखाना भी पड़ता है भाई। तो देख लीजिए, अभी उसका ऊपर से हम सोडा डाल लेता है। ठीक है, तो देख लीजिए अच्छी तरह से सोडा डालने के बाद इसको स्पून से थोड़ा ज़्यादा सा मिक्सिंग करना है, क्योंकि इसमें जो सॉल्ट है, शुगर है, ये सब पल्प चॉकलेट है, ये सब पूरा अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाने का। मिक्सिंग होएगा तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से उसको मिक्सिंग कर लो। तो देख, तो हमारा भारजन मोजीटो रेडी हो गया। ठीक है, इतना ही सा है और ज़्यादा भी काम नहीं है। तो चलिए उसके ऊपर से एक नींबू भी राउंड करके दे देता है। तो देने का बाद हमारा जो तुलसी होता है ना, तुलसी का पत्ता जो ब्लैक कलर का होता है, तो दे सकता है, नहीं है तो नहीं दे सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए मेरा दोस्त, को आपके लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। ओके, बाय।